तो समीर जी, आज आपके साथ हम वीवी और एक्सेल का मिक्स टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी अभी आपने फंक्शंस के बारे में बताया और हम एक डैशबोर्ड पे वर्क कर रहे थे, तो उसी चीज को हमने सोचा कि आपके साथ डिस्कस करें। क्या है ना कि एक साइट है iDashboard.com, ठीक है ना। iDashboard.com पे हमने ये जो है देखा था, एक डैशबोर्ड, एचआर डैशबोर्ड देखा था। इसी डैशबोर्ड को हम एक्सेल में क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने इसका ये पार्ट तो बनाया कि यहाँ पे डेटा है, आप देख पा रहे हैं डेटा को। तो डेटा में क्या है कि टोटल डेटा का अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सपोर्ट में डिपार्टमेंट वाइज हेड काउंट बनाया है, किस डिपार्टमेंट में कितना हेड काउंट है टोटल। इसके लिए जैसे हमने काउंट इफ फॉर्मूले का इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन को हमें कुछ इस तरह से शो करना था। हालांकि शो तो मुझे इस तरह से करना था, लेकिन हमने इसको इस तरह शो नहीं किया क्योंकि तो इस पे कुछ और करना है, हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया क्योंकि तो पूरा नकल थोड़ी होना चाहिए सर, ठीक है। तो ये आपके सामने हमने बनाया, तो ये कुछ ये क्या है बेसिकली, ये जो है एक आपको दिख रहा है ना सर, ये हमने इंसर्ट किया हुआ है एक शैप, ठीक है। शैप इंस्टॉल किया हुआ है और इसकी जो बीच की कलर है उस कलर को मैंने यहाँ पे नो फिल कर दिया हुआ है, और इसकी जो विड्थ है मतलब कि इसकी जो मोटाई है उसको बढ़ा दिया हुआ है, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया हुआ है। और इसकी जो पीछे का जो एरिया है उसको मैंने कलर कर दिया हुआ है, इसे यहाँ देख पा रहे हैं कलर है ना सर। तो इस केस में हमने इसको उठा के इस तरह से मैंने पैलेस किया हुआ है ताकि हमें ऐसा लगे कि ये एक गोला है और जो नंबर इसी के बीच में, बल्कि एक्चुअली में ये नंबर इसके पीछे जो ए है टेक्स्ट है उस टेक्स्ट में फॉर्मूले से आ रहा है, राइट। तो यहाँ इस पे ऐसा था कि अगर मान लीजिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो कंपनी की जो प्रेसिडेंट है उसका आता है फोटो कहाँ पे, यहाँ पे। बाकी चीजें भी चेंज होती है, कि बाकी चीजें हम बाद में चेंज करेंगे क्योंकि ये पार्ट ऑफ द डैशबोर्ड है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि यहाँ जैसे कर्सर गया तो यहाँ पे मैं फाइनेंस पे कर सकता हूँ तो फाइनेंस का, इन्वेस्टमेंट पे रखता हूँ इन्वेस्टमेंट का, मार्केटिंग पे रखता हूँ तो मार्केटिंग का, सेल्स पे रखता हूँ तो सेल्स का, और आईटी पे रखता हूँ तो आईटी का, आ रहा है ठीक है सर। तो ये चीजें कैसे करें, राइट। तो इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, सबसे पहले तो एक सीट के अंदर में हमने अपने पूरे आईडी, उनके नेम, कंपनी के डेजिनेशन, मोबाइल नंबर और उनकी जो फोटोज हैं वो हमने एक सेल में फिट किए हुए, ठीक है। अभी फिलहाल तो मेरा परफॉर्म कर रहा है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा आ रहा है, क्लिक करता हूँ देखिए पूजा का आ रहा है, प्रेसिडेंट, नंबर, कविता, वीपी मार्केटिंग, सेल्स, आईटी, कर्सर ले जाते हैं यार। तो ये कैसे आया, देखिए सिर्फ एक्सेल से तो नहीं बना है, इसमें एक्सेल और वीवी दोनों लगा हुआ है। चलिए हमने कैसे किया इस चीज को देखते हैं, ठीक है। तो टॉपिक मजेदार है ना सर। जी, ये देखना है इसमें वीबीए कहाँ आ गया, मतलब हाँ क्या यूज। वीवी का छोटा सा पार्ट है, फंक्शन ही है सर, फॉर्मूला पार्ट, उसको लेकर आगे भी बहुत सारी चीज आप कर सकते हैं। जैसे तो कि क्या सबसे ये पहले इवेंट है कोई, मतलब जैसा माउस आ जाता है तो इवेंट ट्रिगर होता है ऐसा कुछ। तो सबसे पहले तो ये डिजाइन जो स्ट्रक्चर जो तैयार किया हुआ है वो तो समझ गए आपको। इसके बाद हमने यहाँ पे एक नंबर लिखा, 1, 2, 3 इस तरह से नंबर लिखे। तो ये मैं फोटो में यहां से हटा देता हूँ, ठीक है। फिलहाल फिलहाल मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है VLOOKUP का फॉर्मूला, जो कि इस 1 के बिहाफ पे शीट 4 से उसका नेम, उसकी डेजिग्नेशन और उसका मोबाइल नंबर निकाल के देता है। इसमें कोई बताने वाली बात है नहीं, और मैं चाहता हूँ उसका फोटो भी आए, पिक्चर को भी लुकअप करे। हालांकि फोटो लुकअप करने के लिए एक अलग तरीके हैं, वीवीए का अलग पार्ट है, लेकिन हमने वीवीए से ना कर उसको एक्सेल से कर दिया। हम डेवलपर टाइम में आपके सामने जो इमेज होता है, पिक्चर होता है, इससे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। बट इससे हम कब करेंगे, जब मेरा पिक्चर सीट पे ना है, एक्सेल सीट पे नहीं है, वो किसी एक फोल्डर में है। बट मैंने फोल्डर वाला सिस्टम किया हुआ नहीं, मैंने फोटो को एक्सेल सीट में ही
अरेंज कर दिया हुआ है। सो इस फीचर को हम अप्लाई नहीं करेंगे। तो किसको क्या करें, तो हम क्या करेंगे, पिक्चर लुकअप मेथड को हम करेंगे। अगर आप हमारे एक्सेल की क्लास ले रखे होते हैं तो आपको पता रहता है कि पिक्चर लुकअप क्या होता है। तो हमने सबसे पहले अपने फोटो को कॉपी किया, पेस्ट में हमने यहाँ पे पेस्ट एज लिंक कर दिया, ठीक है। लिंक करने के बाद इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर दिया ताकि हमारा फोटो सही से दिखे, राइट सर। पर प्रॉब्लम है कि इससे लिंक कैसे होगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसका एक एड्रेस है, कनेक्ट भी एड्रेस है। अगर टू के जगह पे हम थ्री कर देते हैं, थ्री का फोटो आता है। हम फोर कर देते हैं, फोर का फोटो आता है। आप यहां देखिए क्या, लेकिन ये इससे लिंक कैसे हो। अब यहाँ पे 1 2 3 है, बट ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आईडी वोल्टेज हो रही हो, या आईडी कुछ भी हो सकता है ना सर। तो हमने क्या किया, हमने इसके लिए यहां एक वी लुकअप का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, वी लुकअप माफ कीजिए मैच का। मैच फॉर्मूले से हमने अपने डेटा में गए और हमने डेटा को लुकअप किया और पता लगाया कि इसका जो ये वन टाइप कर रहा है उसका रो नंबर क्या है, जो भी आईडी टाइप हो रही है उसका रो नंबर क्या है। अब प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ टू में इस ई टू को मर्ज कर दूं, क्या टू में ई टू को मर्ज कर दूं, तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका किसी भी तरह का फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करता है। मतलब कि ऐसा नहीं कि इसमें मैं यहाँ पे एन परसेंट लगाऊं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। तो इस चीज को मुझे जाना पड़ेगा, हम इस चीज को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन नेम। तो हम जा रहे हैं नेम मैनेजर के डिफाइन नेम में, यहाँ डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे और हमने एक पीएच नाम का नाम क्रिएट किया, पीएच का नाम क्रिएट किया। और यहाँ पे आपके सामने देखिए हमने इनडायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर में एक रख दिया, जिससे ये फॉर्मूला रख दिया। दिख रहा है सर, क्या लगा के बताऊं दोबारा? नहीं, वो तो लास्ट टाइम बताया था, बताया था आपको जी, वो जो मैं ही क्वेरी कर रहा था ना आपसे कि वो मेरी रिक्वायरमेंट है वो A1 B1 A2 B2 फॉर्मूला समझ में आ गया जी जी फिर भी मैं बता देता हूँ। फिर भी बता, फॉर्मूला क्या करता है, ए क्या होता है कि इसको जैसे कि ई सीट 4 ई तक तो है, और जो 3 4 5 है नंबर है, रो नंबर है, वो आपका ये डैशबोर्ड F3 से आ रहा है, वो मिल गया एक एड्रेस बन रहा है, बट एड्रेस क्या बन रहा है, टेक्स्ट बन रहा है, इनडायरेक्ट इसको कन्वर्ट करता है, ठीक है जी। फिर हमने क्या किया कि ये जो फोटो हमने पिक्चर लिंक किया था उसकी जो एड्रेस थी ऊपर, एड्रेस को डिलीट करके हमने पीएच रख दिया, हो गया जी। अब है कि मैं जैसे यहाँ पे 2 लिखूंगा तो E3 में आएगा और इसका पूरा डिटेल और इसकी फोटो भी चेंज हो जाएगी। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि हम यहां से कैसे लिंक करें, ये ऐसे लिंक करें। तो इसके लिए हम डेवलपर टैब में जाएंगे और एक फंक्शन बनाएंगे। हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं फंक्शन, और हमने यहाँ पे शो नाम का फॉर्मूला बना देते हैं, राइट। और एन एज ए हमने यहाँ पे एन एज रेंज, राइट, माफ कीजिए रेंज नहीं होगा क्योंकि इनपुट जो देना है 1 2 3 देना है ना, मतलब कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 1 2 3 4 5 ही चाहिए ना, इसलिए हमने यहाँ पे डाल दिया। आप तो अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो। अब यहां हमने किया कि रेंज F3 डॉट वैल्यू वैल्यू इक्वल टू n, राइट सर। अब जैसे कि यहां पे ऑलरेडी हमारा फॉर्मूला लिंक लगा हुआ, सपोर्ट B7 दिख रहा है, ऑलरेडी लगा हुआ। मैंने हमने क्या कर रखा है, हमने डैशबोर्ड में गया और हमने यहाँ सपोर्ट में गा के और ये कर दिया हुआ, ये लिंक कर दिया हुआ, लेकिन ये नंबर भी दिखे लेकिन जब कर्सर जाए तो इस पे दिखे। तो हमने यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो फॉर्मूला हमने लगाया है SH show का फॉर्मूला जो लगाया है ना सर, इसके अंदर मान लीजिए हम 1 कर दिए,
ऐसा नहीं कि वन लिख दिया एंटर मारते यहां पे वन एफ थ्री पे वन टाइप कर देगा, नहीं टाइप करेगा। क्यों नहीं टाइप करेगा? वही जो थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया आपकी प्रॉब्लम पे कि ये हमारा माउस इवेंट है, राइट, हाँ ये प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को फॉलो फंक्शन नहीं कर सकता है। मतलब फंक्शन किसी भी सेल के ऊपर जाके कोई वैल्यू टाइप नहीं कर सकता है, वो जो ओके फॉर्मूला जहां लगा लगेगा वहीं वो रिजल्ट को रिटर्न कर सकता है। ओके हाँ बात समझ में आया सर? हाँ इसलिए आया। तो अब मुझे इस फॉर्मूला को चलाना है, हाँ मतलब कि माइक्रो की तरफ वर्क कराना है, हम्म, तो इसके लिए हम यूज करेंगे हाइपरलिंक का फॉर्मूला। हाइपरलिंक इसके अच्छा में अंदर में शो अराउंड मैंने वन दे दिया, ठीक है, हाँ एंटर मारते हैं। अभी यहां पे कुछ नहीं हो रहा, सॉरी हाँ अब आ रहा है ना सर, वन आ गया ना सर, परसों जाते ही वैल्यू दिखा रहा है। हाँ यहां वैल्यू दिखा रहे हैं, यहां देखिए ना वन हो गया ना। हाँ अब यहां मान लीजिए फाइव करता हूं, यहां मैंने फॉर्मूले में फाइव कर दिया सर, हाँ यहां फॉर्मूले में फाइव है, अब देखिएगा हाँ यहां पे फाइव हो जाएगा और नाम सुजीत की जगह पे इंद्र का नाम है। हाँ ठीक है, ये फंक्शन फिर से थोड़ा मुझे देखना है, ये बाकी सब मतलब समझने में फंक्शन में ये हो गया, जो शो एन एज इंटीजर हो तो वैल्यू दे रहे हैं हम, रेंज F3 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू n। ओके हाँ मतलब जो फॉर्मूले के हाँ अंदर में हम नंबर लिखेंगे उसी जी नंबर को क्या करें वो F1 के ऊपर, ऐसे F3 के ऊपर यहां पे। हाँ ओके हाँ समझा ठीक है, जी समझ में आया आपको? जी तो होता है क्या है कि हाइपर, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पे हाइपरलिंक का फॉर्मूला, यहां पे समझिए क्या है हाइपरलिंक का फॉर्मूला है, मैंने यहां पे किया डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट गूगल डॉट कॉम, ठीक है, जब गूगल जी डॉट कॉम पे क्लिक करते हैं तो ओपन हो जाता है, लेकिन साइड में नीचे आपको दिख रहा है डब्ल्यू डॉट गूगल डॉट कॉम दिख रहा है, मैं क्लिक ना करे फिर भी माउस पॉइंटर जाते ही हाइपरलिंक को अपना काम करना पड़ता है, जी समझ रहे हैं आप? हाँ उसी तरीके जैसे मैं यहां पे कर्सर रखता हूं तो भले ही क्लिक ना करे लेकिन हाइपरलिंक बैकएंड में फॉर्मूला को प्रोसीड करवाता है ओके और फॉर्मूला बिल्कुल सब्जेक्ट की तरह वर्क करता है ओके और यहां पे नंबर टाइप कर देता है। जी समझ गए आप सर? आपको जी तो सेम चीज मैं यहां करने वाला हूं, यहां पे तो B17 हम एरर के जगह पे मैं वैल्यू शो कर दूंगा, हाँ एरर के जगह पे 2065 शो कर दूंगा, इस एरर से जो एरर शो कर रहा ओके है, एक ओके हाइपरलिंक लगा रहेगा। तो हाँ यहां मैं सबसे पहले लगाता हूं इफ एरर का फॉर्मूला, इसके अंदर देता हूं हाइपरलिंक और हाइपरलिंक के अंदर देता हूं SHO शो, शो के अंदर देता हूं वन, ठीक है, हाँ और कॉमा इफ एरर के अंदर कॉमा दे दिया सपोर्ट B7, एंटर प्रेस किया, आ गया सर। हाँ अब जैसे मैं इस पे कर्सर रखूंगा तो क्या हो जाएगा, यहां पे वन टाइप कर देगा क्योंकि हमने हाँ SHO फॉर्मूले के अंदर में वन दिया हुआ इनपुट, ये सपोर्ट B7 क्या रेफर कर रहे हो? सपोर्ट B7 इसकी वैल्यू यहां सीट सपोर्ट सीट के अंदर ये वैल्यू इसको शो कर रहा है ओके हाँ और और यहाँ पे, हमें हाँ ये ओके आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ भी सेम फॉर्मूला, यहाँ पे मैंने टू लगाया हुआ है और सपोर्ट B2, मतलब कि यहाँ पे वैल्यू फाइनेंस का शो करे जो कि सपोर्ट टीम में फाइनेंस की वैल्यू 398 है, राइट, जो कि B2 हाँ है, सपोर्ट B2, समझ हाँ गए? तो तो हाइपरलिंक PHS क्या है वो? अच्छा कोई और यहाँ पे शो अच्छा हमने लगाया वही PHS है, पहले कोई तो फंक्शन बनाया आपने अलग से। हाँ यहाँ पे शो कर देता हूँ, हाँ पीछे से तो मैंने लीप कर दिया ना सर। हाँ अच्छा ये तो काम नहीं कर रहा है ना, दिख रहा है तो हाँ सही नहीं। यहां सारा फॉर्मूला में मुझे शो का यूज करना, तो इसमें हम ये इफ एरर क्यों लगा रहे हैं आप? मतलब इफ एरर हम इसलिए, देखिए सबसे पहले वह कि आपका हाइपरलिंक का फॉर्मूला वर्क तो करेगा,
जो आप करवाना हाँ चाहते हो कर हाँ लेंगे, हाँ हाँ लेकिन हाँ आप जो शो करवाना चाहते हो ना वो नहीं दिखेगा, अच्छा वो एरर देगा, ओके हाँ समझ गया ना। हाँ हाँ ऐसा नहीं तो कि मतलब मान लीजिए मैं यहां पे कर दूं यहां पे ओपन चाहे चेक करके, चेक तो क्या चेक लिखा हुआ आएगा, नहीं वैल्यू लिखा हुआ आएगा, हाँ ये चेक शो करवाना है ना सर, कोई हाँ वैल्यू पे क्लिक थोड़ी करेगा, कोई कोई हाँ क्लिक तो चेक पे करेगा। हाँ इसको हमें इफ एरर फॉर्मूले के अंदर में डालेंगे तब जाके वो चेक शो करेगा, चेक शो करेगा और वर्क हाँ नहीं करेगा, ठीक है। ओके तो अब क्या हुआ कि जैसे मैं इस पे कर्सर ले जाता हूं, रवि आ गए, हाँ आ गया सर इंदर, हाँ ऊपर ऊपर वो चेंज हो रहा है 2 4 5 हाँ वो तो वो चेंज चेंज हो होगा, रहा है लेकिन वैल्यू नहीं आएगा, लेकिन वो अगर एरर देगा तो वो सपोर्ट में जाके नंबर दिखाएगा कितना नंबर आ रहा जी। नहीं यहाँ पे तो नंबर ही दिखाएगा, हमेशा नंबर दिखाएगा, है। क्योंकि हाँ हाइपरलिंक का फॉर्मूला तो एरर आएगा, क्योंकि हाइपरलिंक होना चाहिए हाँ न्यू लोकेशन ना सर, जी हाइपरलिंक में एक पाथ चाहिए ना सर, यहाँ पे पाथ चाहिए ना, हाँ लेकिन हमने पाथ थोड़ा दिया, वो हमने एक फॉर्मूला दे दिया, तो हाइपरलिंक को तो ओके करेक्ट पाथ मिल नहीं रहा है, तो एरर देगा ही देगा, लेकिन हमें हाइपरलिंक के रिजल्ट से मतलब नहीं ना है, हमें तो हाइपरलिंक का बैकएंड प्रोसेस से मतलब, क्योंकि बैक एंड कर्सर प्रोसेस में जाते तो हैं उनका, नंबर चेंज हो रहा है ना ऊपर, नहीं हाँ चेंज हो रहा है, F F3 में देखे, F3 में तो प्रोसेस चल रन हो रहा है। हाँ हाँ एफ थ्री में चेंज हो रहा है, एफ थ्री में जब चेंज हाँ होता है तो हमारा जहां मुझे शो चेंज करवाना था वहां चेंज हो रहा है, हाँ लेकिन एज अ प्रोसेस वो फेल हो रहा है इसलिए वो नंबर दिखाएगा 398 396 जो भी। हाँ ये दिखाएगा, हाँ ये हाँ हमें दिखाना दिखाना भी है, क्योंकि मुझे पता चला कि मार्केटिंग के अंदर में 396 है, लेकिन जैसे इसमें हाँ कर्सर रखूं तो ये ऊपर इसका आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आप जैसे साइट पे देखें कि अगर हमने जी फाइनेंस पे क्लिक किया तो पूरा रिपोर्ट फाइनेंस के अकॉर्डिंग, हाँ ठीक है। जैसे आप देखिए कि यहाँ पे मेल जो है वन, यहाँ पे 1089 राइट है ना, जैसे मैंने एडमिनिस्ट्रेटर पे किया 359, फाइनेंस पे किया तो 283 है, ठीक हाँ है, मार्केटिंग में 88 है, सेल्स जी में 240 है, आईटी में 241 है, और पूरा रिपोर्ट ये चार्ट भी देख रहे हैं, चार्ट भी चेंज हो रहा है, हाँ ठीक है, जी सिर्फ एक इवेंट के ऊपर। तो इसमें होवर करने के बाद तो दिखा रहा है चेंज, लेकिन इसको दबा के हम इसको ड्रिल डाउन भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? किसको नहीं, ये जो सामने डैशबोर्ड नहीं आपने कर सकते, बताया। नहीं ये चेंज हाँ हो गया, रिपोर्ट क्लिक करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो जो काम माउस पे जाती हो जा रहा है ना, क्लिक की जरूरत ही नहीं, तो इसी मेथड से जैसे आप जो है मैंने यहां चेंज करवाया है, उसी मेथड से चार्ट की इनपुट भी, सबकी इनपुट चेंज होगी, समझ गए, ओके ये सबकी इनपुट इसी तरह चेंज होगी। अब बोलेंगे सर इसका यूज मतलब इसका बेनिफिट्स क्या होता है, देखिए ये यूजर इंटरफेस कहलाता है, समझ गए ना, जी तो वीवीए का यूज सिर्फ रिपोर्ट क्रिएशन में नहीं होता है, आपका यूजर इंटरैक्ट में भी यूज किया जाता है, कि आपका यूजर अच्छे तरह से इंटरैक्ट हो, जैसे कि यहां पे हमारा हो रहा है, ठीक है ना, कि उसको कर्सर क्लिक करने की जो आप किसी को क्लिक भी कर देता कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन तो माउस इसमें जाते यहाँ ही पे एक क्वेश्चन है, तो जब भी आप कर्सर लेके जाते हो तो वो हाइपरलिंक तो चल रहा है, इसी की वजह से F3 में वैल्यू चेंज हो रही है, और एज अ प्रोसेस वो फेल हो रहा है इसलिए वो सपोर्ट शीट में से वो डेटा दिखा रहा है, तो वो हार्ड कोडेड है ना, सपोर्ट B3 सपोर्ट B2 जो भी हम लोग जी मतलब। अच्छा तो तभी नंबर दिखा रहा है, क्योंकि हम माउस हटा दे तभी तो भी नंबर दिख ही रहे हैं मतलब सारे सर्कल्स में ना। हाँ वो नंबर दिखेगा, ये नंबर तो शो करना ही है सर ना, हमें हमारे पार्ट है, हमारे रिपोर्ट का पार्ट फाइनेंस के हाँ अंदर में 398 पीपल है, मार्केटिंग के अंदर में 390 पीपल है, लेकिन जब मुझे मार्केटिंग टीम का पूरा रिपोर्ट देखना है, ओनली फॉर मार्केटिंग टीम का, तो मुझे मार्केटिंग टीम के ऊपर क्लिक करना है, तो पूरा रिपोर्ट जैसे कि आपके इसमें साइट पे वो चेंज हो रहा है, अगर मैंने मार्केटिंग के ऊपर कर्सर रखा तो मेरा पूरा रिपोर्ट मार्केटिंग के अकॉर्डिंग या सेल्स के अकॉर्डिंग हाँ कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है सर, हर एक चीज यहाँ यहाँ भी होता है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो हमारे ये जो अभी एग्जांपल हम देख रहे थे उसमें वो इफ एरर तो समझ में आ गया, लेकिन अगर एरर
एरर होता है तो उसको सपोर्ट की वैल्यू दिखाया, ऐसे क्यों हम बोल रहे हैं, मतलब सपोर्ट बी पर फोर। करने के मतलब नहीं समझे कि माउस पॉइंटर ले जा, आप समझ बात को समझिए यहाँ पे सही से। हाँ आप आपके अंदर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया हाइपरलिंक, राइट, जी हाँ यहाँ पे हमने लगा दिया एस एच एस ओ का फॉर्मूला, हाँ इसमें हमने दिए फाइल। अब करने हाँ के मतलब है कि ये तो हमारा बैकएंड का काम है कि भाई बैकएंड कर रहा है, लेकिन यूजर को क्या दिखना चाहिए? यूजर जाके वैल्यू पे कर्सर थोड़ी रखेगा। हाँ यहाँ पे कर्सर रखने के लिए एक पॉइंट होना चाहिए ना, इंटरेक्टिव पॉइंट, एक मैसेज हाँ होना चाहिए ना, हाँ मैसेज वैल्यू थोड़ी होगा। हाँ अब मान लीजिए ना यहीं पे, आप मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। अब प्रोडक्ट पे क्लिक करने से एक खुल रहा है हाँ सर, हाँ तो कहने का मतलब यहाँ पे खुलने का लिए मान लीजिए कि ये आपका हाइपरलिंक वर्क कर रहा है, लेकिन प्रोडक्ट पे जाना भी तो है, प्रोडक्ट दिखना भी तो चाहिए। ओके तो आपके पास अगर कोई फिक्स वैल्यू है तो इफ एरर के अंदर में फिक्स डाल दीजिए। ओके अगर फिक्स वैल्यू नहीं है, जैसे कि मेरे पास फिक्स नहीं है, मेरे पास हर किसी का अलग अलग है, तो हमने नहीं फॉर्मूला डाल दिया। ओके मेरे पास फिक्स वैल्यू है तो मैंने इफ एरर के अंदर में, क्योंकि एरर का हैंडल तो इफ एरर ही करता है ना सर, तो इफ एरर के अंदर हमने डाल दिया यहाँ पे मान लीजिए डाल दिया ओपन, राइट। हर किसी को पता है कि इस पे ओपन करना है, इस पे ले आया कर्सर, जैसे कर्सर ले जाएगा ओपन हो जाएगा, है ना, या शो या जो भी मैसेज देना चाहते हो, ये मैसेज हो गया इनपुट इन्वर्टर को मामले। लेकिन मेरे केसेस में क्या है कि मेरे पास हर डिपार्टमेंट के लिए अलग वैल्यूज है, एक संख्या है जो कि कैलकुलेट हो रही है सपोर्ट शीट के अंदर। अब सपोर्ट शीट पे ना करके हम यहां भी डायरेक्ट कर सकते थे, समझे, हम सपोर्ट शीट में ना करके हम यहां भी डायरेक्ट यहां यहीं पे जो हमने दिया हुआ यहीं पे हमें काउंट इफ का फॉर्मूला लगा सकते थे, ओके लेकिन सपोर्ट शीट पर लगाया ताकि हम समझा सके, ओके ठीक है। अब आपको जब तक ये खुद से नहीं करेंगे ना सर, तब तक समझ में नहीं आने वाली है। नहीं, ये समझ तो आ गया हाइपरलिंक का, बट बात मुझे वही जैसे यही वो वाला डैशबोर्ड हम अगर मतलब छोड़ दे, तो ये हम अगर जो देख रहे हैं स्क्रीन पे उसमें हम एज ए लिंक उसको बता रहे हैं ना, कि मतलब जैसा आप देखिए थ्री नाइन मैसेज ये सिंपल सा मैसेज देता है कि सेल्स के, ये क्या है यहाँ पे ऊपर हेडिंग है, हेडिंग मैंने नहीं लिखा है, ऊपर यहाँ पे हेडिंग होगा यहाँ पे हेड काउंट, ठीक है ना, हेड काउंट मतलब कि कंपनी के अंदर यहाँ पे 2021 हेड काउंट, ठीक है। ये बता रहा है कि 2021 में हमारे कंपनी का, जिस कंपनी का रिपोर्ट है, कितना हेड काउंट है, और उस हेड काउंट को ब्रेक किया गया है किसके हिसाब से, डिपार्टमेंट के हिसाब से। बात समझ में आया? अब प्रॉब्लम यह है कि मुझे ऐसा रिपोर्ट चाहिए कि जब मैं इस पे माउस पॉइंटर ले जाऊं तो मुझे इस टीम का यहाँ पे बाकी जगहों पे साइड में जो भी रिपोर्ट आगे बनेगी विजुलाइजेशन और सारा का सारा दिख जाए। हम कहीं पे जाके बटन पे क्लिक नहीं करना चाहते हैं या ड्रॉप डाउन नहीं करना चाहते, बस समझ में आया, हम चाहते हैं कि वो हाँ। सारी बातें हो नहीं रही है फिलहाल इस डैशबोर्ड में। तो अभी सर अधूरा है ना सर, हाँ, वही मतलब वही मैं समझ समझ रहा था कि अधूरा है, ये अधूरा है। लेकिन जैसे हम अगर देखो फोर अभी जीरो इसमें एक चीज फाइव हो रहा है, इसमें एक चीज हो रहा है कि यहाँ पे उस टीम के जो रिपोर्टिंग पर्सन है उनका डिटेल नहीं दिख रहा है। ये फिलहाल क्या हो रहा है, उस टीम के रिपोर्टिंग पर्सन का, और जो ये तो वन अगर टू थ्री अगर है आप वो फोर चलो 404 एडमिनिस्ट्रेशन जो लिखा है, हम वहां पे चले जाए, उसके ऊपर जो फॉर्मूला लगाया हुआ है, हाँ जी, ये उसके अगर इस पे ऊपर मैं भी कहूँ होगा। तो ये देखिए हाँ आ गया, इसमें 404 दिख गया, जिसमें हाँ मोहन है, वहां हाँ के हैं बीपी है, हाँ उनका कांटेक्ट नंबर, एक्सटेंशन नंबर, मोबाइल नंबर जो भी है वही है, ठीक है। तो इसके पीछे जो फॉर्मूला है वो कहाँ पे लिखा है, 404? मैंने शुरुआत में बताया ना नहीं नहीं आपको, वो नहीं वो नहीं वो नहीं बोल रहा मैं हाइपरलिंक का बोल रहा हूँ इसका। इसके अंदर है ना, इसके अंदर दिया हुआ है ना यहाँ पे, हमें यहाँ पे हाँ मैं वही, तो यहाँ पे हम सपोर्ट B3 हम निकाल दें और कुछ भी और लिखते वहां पे, तो इसके कैसे दिखेगा, वही मैं सोच रहा था। अगर मान लीजिए कुछ और दिखाना चाहते हो तो आप इसके हाँ डाल दीजिए, कोई यहाँ भी, हाँ कुछ टेक्स्ट या पे डाल देता हूँ मैं,
एडमिन हाँ ठीक है। जी अच्छा इसमें हमने ये नहीं लगाया था कॉमा। ओके अभी क्या है कि मुझे इसकी फॉर्मेटिंग हटाने पड़ेगी, इसको छोटा करना जी पड़ेगा हाँ हाँ ठीक है, हो गया। जी तो इफ एरर में एरर आता है तो एरर एरर आने पे क्या देना चाहिए, उसकी अल्टरनेट वैल्यू के लिए हमने ये जी सपोर्ट B3 या जो भी मतलब हम लिख रहे रेफर कर रहे हैं वो लिखा है, मतलब क्योंकि अगर वो नहीं है तो हाइपरलिंक चलेगा नहीं, मतलब वो चल जाता है लेकिन प्रोसेस फेल हो जाता है उसके। ठीक है, तो फाइल भेज दूं, आप इस पर ट्राई करेंगे। जी ये रिपोर्ट जब पूरा हो जाएगा तो मैं आपको ये रिपोर्ट दे दूंगा ठीक है। क्या ओके है आपका, यही है ना एम्प्लॉय आईडी। ये सैंपल लिया तो हमारा फंक्शन का आप बोल रहे थे कुछ और भी बता हाँ रहे हो करेंगे लेट सर, डे। ये अच्छा अच्छा लाइव सर, ये प्रॉब्लम थी, ये लाइव प्रॉब्लम थी, एक अलग ओके यूनिक थी, इससे मैंने आपको किया ओके अच्छा ताकि, क्योंकि अच्छा मैं ही बता था आज मैं कुछ और पढ़ाने वाला था आपको, लेकिन ओके हाँ आपके जो सवाल थे ना जहां पे आपने गलती, हाँ तो मुझे आपको एग्जाम्पल सुटेबल बताना सुटेबल लगा।